जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे मीवी रोम ब्लूटूथ स्पीकर का अनबॉक्सिंग रिव्यू और साउंड टेस्ट। देखेंगे कैसी है इसकी साउंड, कैसी है इसकी बेस और आपको ये बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देख लेते हैं कैसा है ये स्पीकर और क्या क्या कंटेंट देखती है इसके साथ मीवी। तो पीछे कुछ इसके इन्फॉर्मेशन मेंशन की गई है कंपनी की तरफ से, जिसमें सबसे ऊपर आता है क्लिस्टर क्लियर साउंड, उसके बाद आता है प्रीमियम बिल्ट, उसके बाद आता है ट्रू वायरलेस स्टीरियो 2x लाउडेस्ट, देन आता है प्ले इट ऑन एंड ऑन, उसके बाद आता है वाटर प्रूफ। इसको IPX67 की जो है वाटर प्रूफ रेटिंग मिली हुई है, तो ये वाटर प्रूफ स्पीकर है। उसके बाद आता है पोर्टेबिलिटी, इजी टू कैरी, तो इसको कैरी करना भी बहुत आसान है। तो निकाल लेते हैं इसको बाहर, कर लेते हैं इसको अनबॉक्सिंग, उसके बाद देखते हैं इसके जो है वो क्वालिटी कैसी मिलती है हमें। तो सबसे पहले ऊपर मिल जाता है हमें फैब्रिक लगा हुआ इसके, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, उतनी बुरी भी नहीं है। साथ में मिल जाती है आपको मीवी की बैजिंग और आपको मिल जाता है एक स्ट्रिप इसको कैरी करने के लिए, जो कंपनी की तरफ से प्री इंस्टॉल मिलता है। साथ में पीछे उसके मीवी की बैजिंग के साथ कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, जिसमें मेंशन की गई है इसके अंदर की 800 mAh की बैटरी। नीचे इसके राइट लेफ्ट साइड में दिया गया है माइक्रोफोन, राइट साइड में दी गई है इसके जो है इंडिकेशन। नीचे कैप के इसके ऑक्स की कनेक्टिविटी और इसके माइक्रो यूएसबी चार्जिंग की कनेक्टिविटी दी गई है और अच्छी क्वालिटी है इसकी, इतनी डिसेंट है, इतनी बुरी भी नहीं है। इस साइड मिल जाते हैं आपको इसके सारे कंट्रोल, पावर ऑन ऑफ स्विच, वॉल्यूम कंट्रोल और इसका कॉल एंड रिसीव बटन भी आपको साइड में मिल जाता है। हार्ड बटन है थोड़े से, इसको जो यूज़ करना है थोड़ा सा हार्ड है। पावर ऑन होते ही इसमें जो है इंडिकेशन आपको जलती हुई मिल जाएगी ब्लू कलर की। नीचे इसके देख लेते हैं अटैचमेंट, इसके साथ क्या क्या मिलता है आपको। ये मिल जाता है यूज़र मैनुअल गाइड, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, इसको उठा के साइड में फेंक देना अगर आप ये स्पीकर बाय करने वाले हो तो, क्योंकि इसको चलाना बहुत ही ईजी है। साथ में मिल जाती है आपको दो केबल, एक मिल जाती है ऑक्स केबल, जो इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करके यूज़ करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। और उसकी केबल की क्वालिटी भी डिसेंट है, उतनी बुरी नहीं है। साथ में मिल जाता है आपको माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल, इसकी क्वालिटी भी डिसेंट है, उतनी बुरी नहीं है। क्वालिटी जो है मुझे इसमें डिसेंट लगी, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी इसमें नहीं मिल दे रहा है आपको मीवी, तो क्वालिटी के मामले में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया है मीवी ने। इसमें मिल जाता है आपको 5 वाट का स्पीकर और कंपनी क्लेम करती है 70% वॉल्यूम पे 6 आवर का बैटरी बैकअप और आपको जो है 100% वॉल्यूम पे इसमें 4 घंटे या 3.5 घंटे का बैटरी बैकअप बड़े आराम से मिल जाएगा। तो साउंड टेस्ट शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने हेडफोन लगा लें ताकि आपको साउंड का सही से आइडिया हो सके। तो आइए शुरू करते हैं साउंड। We'll be right back.
hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. आई होप आपको आइडिया लग गया होगा इसकी साउंड के बारे में। अगर मैं बात करूं तो इसके वोकल मुझे उतने क्लियर नहीं लग रहे हैं, डिस्टोर्शन है साउंड में, उतनी ज़्यादा समझ नहीं आ रही है, बेस अच्छी है, लाउड बहुत अच्छा है, बट उतना ज़्यादा क्लियर आवाज़ जो इसकी मुझे नहीं लग रही है। और इसका कंपेरिजन कर लेंगे हम कुछ इन स्पीकरों के साथ, जिसकी वीडियो आपको नेक्स्ट मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है कंपैरिजन वीडियो मिलती रहे, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही इस चैनल पे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख सकें। बाकी ओवरऑल बात करें मीवी रोम की, तो ये 5 वाट स्पीकर के साथ आता है, उस हिसाब से लाउड भी है और जो इसकी बेस जो है वो भी अच्छी है, मगर ये जो है थोड़ी सी क्लैरिटी के मामले में मात खा जाता है। इसके जो है वोकल उतने अच्छे क्लियर नहीं है, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, थोड़ी सी क्लैरिटी में कमी है इसके वोकल की। कंपैरिजन वीडियो में हम देख लेंगे कि इसकी साउंड जो है दूसरे स्पीकर के साथ कैसी है, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।